अल्मोड़ा से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर है विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम। यहाँ हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। मकर संक्रांति के दिन ज्योतिर्लिंग जागन्नाथ मंदिर में प्राचीन परंपराओं के अनुसार भगवान शंकर को गाय के घी से एक महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ के महीने में मकर संक्रांति को भोलेनाथ ने एक माह तक गुफा में कठोर तप किया था। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जागेश्वर धाम में हर साल की तरह घृत कमल बनाकर पूजा अर्चना की जाती है। बताया जाता है 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक भगवान शंकर गुफा में तप करेंगे। जागेश्वर धाम के पुजारी बताते हैं, सुबह से ही गाय के घी को घृत कमल बनाने के लिए पानी के साथ घी को 3 बार उबाला जाता है। इस बार 125 किलो शुद्ध गाय के घी का प्रयोग किया गया है, जिसमें भगवान शंकर को गुफा बनाकर उन्हें ढक दिया गया है। के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश का दिन मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस जागेश्वर धाम में मकर संक्रांति विशेष तौर पर मनाई जाती है। प्राचीन परंपराओं के अनुसार भोलेनाथ ने मकर संक्रांति माघ माह से एक माह तक तप किया था और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जागेश्वर धाम में गाय के घी से गुफा तैयार की जाती है। उसमें भोलेनाथ को एक महीने के लिए बंद कर दिया जाता है और एक माह तक गुफा की पूजा यहाँ पर होती है। 125 किलो घी से आज यहाँ पर गाय के घी से गुफा तैयार की गई। जय जागेश्वर महादेव, हर महादेव। मकर संक्रांति की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान ज्योतिर्लिंग जागेश्वर सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय जागेश्वर धाम। मकर संक्रांति के पावन पर्व में भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग जागेश्वर महादेव जी को जो है एक माह के लिए घृत रूपी गुफा में रखा जाता है। तो बताया जाता है कि भगवान शंकर हिमालय पर्वत में जो है हिमालय में बर्फ़ से ढक जाते हैं, तो यहाँ पर भगवान शंकर जी को हिमालय रूपी गुफा बना करके भगवान शंकर जी को गुफा के अंदर रखा जाता है एक माह के लिए। फिर उस गुफा को अगले एक घंटे में निकाला जाता है। भगवान शंकर जी को जो घृत रूपी गुफा बनाई जाती है, उस घी को निकाला जाता है बाहर। फिर निकालने के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद रूप में दिया जाता है। उसके प्रसाद से कई रोगों का निवारण किया जाता है, जैसे ब्रेन संबंधित बीमारी हो, बच्चों के नाक से ब्लड आ रहा हो, तो अनेक अनेक रूप से जो ब्रेन संबंधित बीमारियां हैं, तो इस घी के प्रसाद रखने से उस बीमारी का निवारण किया जाता है। बहुत अद्भुत है और एक प्रसन्नता है। जितनी चिंताएं लेके आया था, आने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। सब बहुत अच्छा सा लग रहा है और सबको आना चाहिए। इतना अद्भुत शिवलिंग और इतने अद्भुत दर्शन और पुराने पौराणिक तरीके से जो परंपरा से चला आ रहा था, वैसे ही चल रहा है सभी लोग, और बस दर्शन से ही मन तृप्त हो गया। तो पुजारी बताते हैं, 15 फरवरी के दिन प्रसाद के तौर पे श्रद्धालुओं को गुफा रूपी शिवलिंग का प्रसाद दिया जाता है, जिससे लोगों के कई रोग भी दूर होते हैं, जैसे माइग्रेन और सर जैसी कई बीमारियां भी दूर होती हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज 18 लोकल के लिए।